Sir, do you notice there are so many attacks on journalists nationwide? Do you have any framework to help the journalists? Do you notice there is also so many attacks on me nationwide? And on me, on my image? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। क्या राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए करोड़ों का उद्योग काम कर रहा है और क्या राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करने की साजिश आज से नहीं साल 2010-2011 से रची गई थी? वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आपके स्क्रीन पर यह कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार, और कन्हैया कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए बाकायदा करोड़ों का एक उद्योग काम करता है, और आज जबकि वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो उनको लेकर कई गलत फहमियां, कई भ्रांतियां जो लोगों में थी वो दूर हो रही हैं। आज मैं आपको न्यूज चक्र में बताऊंगा कि दरअसल राहुल गांधी पर अगर निशाना साधने की कोशिश की गई तो इसकी साजिशें 2010 से रची गईं। इसके मर्म में, इसकी जड़ में 2009 और 2011 की दो घटनाएं हैं जिसका जिक्र मैं आगे करने वाला हूं, मगर सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सुने कन्हैया कुमार दरअसल कह क्या रहे हैं। और हम कहते हैं कि उनकी छवि बिगाड़ने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ा, उनकी जो वास्तविकता है ना, उसके लिए सिर्फ उनको रोड पे निकल करके पैदल चलना पड़ा। कितना फर्क है। बस आपको जनता के बीच में आप गए और आपको लेकर के जितनी कोशिशें थी उस सब पे जो है पानी फिर गया। और आज वही लोग, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो हमको सवाल पूछते थे ना कि चलोगे कि नहीं चलोगे, राहुल जी के को लेकर के तो उनके सारे सवाल अपने आप समाप्त हो गए हैं। और इतनी मार्मिक तस्वीरें आती हैं बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बूढ़ों के साथ, और इस देश के वो लोग जो महसूस करते हैं कि उनकी उम्मीदें टूट रही हैं, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, चाहे इस देश की सिविल सोसाइटी हो। तो सुना आपने, इत्तेफाकन मेरी दोस्त रोहिणी सिंह जो कि पत्रकार हैं, उन्होंने भी ये ट्वीट्स किए थे जो आपके स्क्रीन्स में हैं। मैं इसका हिंदी में अनुवाद करता हूं, रोहिणियां क्या कह रही हैं। रोहिणी बता रही है कि आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कोई राजनेता नहीं हुआ जिसकी छवि को बर्बाद करने के लिए बाकायदा प्लानिंग की गई, और यह प्लानिंग किसने रची? जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने। रोहिणी अपने इन ट्वीट्स में नाम लिए बगैर कुछ लोगों की तरफ इशारा कर रही है, और मैं चाहूंगा आप मेरी बात को ध्यान से सुने। रोहिणी कहती हैं कि उद्योगपतियों का एक वकील अपने साथ पालतू पत्रकारों को बिठाता था और राहुल गांधी के बारे में क्या खबरें करनी चाहिए, क्या कहना चाहिए, इसके बारे में कहता था। यह वकील कौन थे दोस्तों? यह वकील बाद में जाके मोदी सरकार में मंत्री बने और आज जीवित नहीं है। इन्हीं वकीलों ने, जो उन तमाम औद्योगिक घरानों के वकील हुआ करते थे, पत्रकारों के साथ बैठकर राहुल गांधी की छवि को किस तरह से तार तार की जाए उसको लेकर साजिश रचते थे। मगर बड़ा प्रश्न, आखिर राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करने की कोशिश क्यों की जा रही थी? भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा इसलिए करना चाहती थी क्योंकि वो राहुल गांधी को कांग्रेस के भविष्य के तौर पर देखते थे और वो चाहते थे कि कांग्रेस जो है उसका भविष्य बर्बाद हो जाए, यानी कि राहुल गांधी की छवि को इस तरह से तार तार किया जाए ताकि देश की जनता उन्हें गंभीरता से नहीं ले। मगर क्या इस साजिश के पीछे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी थी? नहीं। आज मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि राहुल गांधी की छवि को तार तार करने के पीछे जो साजिश साल 2010-2011 से रची जा रही थी, इसके पीछे न सिर्फ बीजेपी थी बल्कि औद्योगिक घराने भी थे। और मैं आज आपको बतलाने वाला हूं बाकायदा कुछ तथ्यों के आधार पर, कुछ खबरों के आधार पर। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा 2010 की इस खबर की ओर। आप जानते हैं खबर क्या कहती है, इत्तेफाकन इस खबर को मेरी दोस्त रोहिणी सिंह ने किया है।
ये खबर ये कहती है कि 2009 में मुकेश अंबानी और कांग्रेस के संबंध बद से बदतर होते जा रहे थे। 2009 में जब कांग्रेस दोबारा सत्ता में चुनके आती है तब ये औद्योगिक घराना और कांग्रेस करीब आने की कोशिश करते हैं, मगर फिर अचानक मुकेश अंबानी के औद्योगिक समूह में प्रवेश होता है इस शख्स का। इनका नाम है परिमल नाथवानी। कौन परिमल नाथवानी? परिमल नाथवानी जिनकी पृष्ठभूमि, जिनका बैकग्राउंड गुजरात से है, ये गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से भी जुड़े थे, और इनकी कुछ और खासियत है दोस्तों। परिमल नाथवानी इन दो लोगों के बहुत करीब थे। उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उस वक्त गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात दंगों और वो तमाम लीगल पछड़ों में जहां अमित शाह फंसे हुए थे, परिमल नाथवानी ने उनकी बहुत मदद की। ऐसे में जैसे ही परिमल नाथवानी का प्रवेश रिलायंस में होता है तो कांग्रेस नाराज हो जाती है। कांग्रेस ये कहती है कि आप ऐसे व्यक्ति को अपने कॉरपोरेट अफेयर्स का प्रमुख क्यों बना रहे हैं जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इतने करीब हैं। तो जाहिर सी बात है ये वो घटना है जिसके चलते मुकेश अंबानी और कांग्रेस के संबंध बिगड़ने लगते हैं। मगर फिर एक और घटना आती है दोस्तों, और इस घटना के बाद तमाम जो उद्योगपति हैं वो राहुल गांधी की मौजूदगी से नर्वस होने लगते हैं, खुश नहीं होते हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, लंदन बेस्ड एक ग्रुप है जिसका नाम है वेदांत। वेदांत क्या कर रहा होता है मैं आपको बताता हूं। वेदांत की कोशिश थी कि उड़ीसा में नियामगिरी जाके बॉक्साइट की माइनिंग करे। फिर से सुनिए, वेदांत जो औद्योगिक समूह है वो उड़ीसा में जाकर बॉक्साइट की माइनिंग करना चाहता था, जिसका विरोध वहां का जो ट्राइबल समूह है, वहां के जो आदिवासी हैं वो विरोध कर रहे थे। अवतरित होते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी आदिवासियों के साथ खड़े होते हैं। राहुल गांधी साफ तौर पर कहते हैं कि कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं करेगी जिसका नुकसान, जिसका खमियाजा ट्राइबल्स को भुगतना पड़े। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर थी दोस्तों, और यह बड़ी खबर इसलिए थी क्योंकि पहली बार कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने एक बड़े औद्योगिक समूह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तब तमाम औद्योगिक घरानों में खलबली मच गई। वो ये सोचने लगे कि क्या राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जो औद्योगिक समूहों का विरोध करेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मुकेश अंबानी और कांग्रेस के संबंध जो हैं खराब हो रहे थे परिमल नाथवानी के प्रवेश से। अब राहुल गांधी ने वेदांत ग्रुप के खिलाफ भी मोर्चा बुलंद कर दिया था। अब प्रवेश होता है उस वकील का, वो वकील जो तमाम औद्योगिक घरानों की नुमाइंदगी करते थे। ये वकील फिर 2010-2011 में अपने पालतू पत्रकारों के साथ बैठकर बाकायदा राहुल के लिए एक व्यूह रचना करते हैं, एक साजिश रचते हैं, और इसी के अंतर्गत राहुल के खिलाफ आए दिन कई अखबारों में, कई न्यूज चैनल्स में जो है खबरें चलना शुरू होती हैं। क्योंकि देखो हो क्या रहा था 2011 या 2010 से पहले, वेदांत विवाद से पहले, नियामगिरी विवाद से पहले राहुल गांधी मीडिया के डार्लिंग थे, मीडिया में बहुत पसंदीदा थे, उन्हें देश के भविष्य के तौर पर मीडिया भी देख रहा था। मगर जैसे ही राहुल गांधी ने औद्योगिक समूहों पर निशाना साधा, औद्योगिक समूह हिल गए। इनके जो खास वकील थे वो अपने पत्रकारों के साथ बैठकर एक व्यूह रचना करते हैं जिसमें राहुल गांधी पर निशाना साधा जाता है। अब 2014 से पहले एक ऐसी सरकार थी जहां मीडिया सरकार से सवाल कर सकता था। बतौर पत्रकार मैंने सोनिया गांधी से सीधे सवाल किए, मनमोहन सिंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीधे सवाल किए, राहुल गांधी के बारे में जो कहना चाहता था मैं कहता था, मुझे कोई नहीं रोकता था। क्योंकि उस वक्त ऐसी सरकार थी जहां पत्रकार सत्ता से सवाल कर सकता था और इसका नुकसान उसे नहीं होता था। इसलिए ये तमाम जो मीडिया समूह हैं वो राहुल गांधी पर निशाना साधने लगे, उनकी छवि को बर्बाद करने लगे। अब राहुल गांधी के साथ एक और दिक्कत थी, राहुल गांधी किसी भी उद्योगपति से मिलते नहीं थे।
जबकि तमाम जो उद्योगपति हैं वो राजनेताओं से मिलना चाहते हैं, खासकर जो ताकतवर राजनेता हैं। राहुल गांधी किसी से नहीं मिलते थे। अब इन तमाम चीजों से औद्योगिक घराने नर्वस होने लगे। अब मैं आपको एक और घटना बताता हूं दोस्तों, यह है 2014 की घटना। इस खबर पर गौर कीजिए, राहुल गांधी यहां अडानी पर तंज कस रहे हैं। उस वक्त अडानी दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति नहीं थे, मगर राहुल गांधी ने पहले से देख लिया था। उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा था, प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सिर्फ मोदी बने रहे, इसलिए आडवाणी को बाहर कर दिया गया है और अडानी हर तरफ छाए हुए हैं। यह राहुल गांधी का बयान था। मैं फिर दोहरा दूं, इस वक्त अडानी जो हैं वो भारत के सबसे धनी व्यक्ति नहीं थे, वो गुजरात से आने वाले एक उद्योगपति थे जो शायद भारत में टॉप 5 उद्योगपतियों में भी नहीं थे। मगर पिछले 8 सालों में आप जानते हैं क्या हुआ है, अब तो अडानी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हो गए हैं। मगर राहुल गांधी ने अडानी की महत्व, अडानी की मौजूदगी को 2014 में यानी कि बीजेपी के सत्ता में आने से पहले ही परख लिया था। राहुल गांधी यहां क्या कह रहे थे, राहुल गांधी कह रहे थे कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए अडानी का किरदार बहुत ज्यादा अहम हो गया है, इस कदर अहम हो गया है कि अडानी को बाहर कर दिया गया है। यह तंज कसा था राहुल गांधी ने, यानी कि उन्होंने अडानी के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने से पहले मोर्चा संभाल लिया था। अब इन तीनों घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखिए, मुकेश अंबानी के कांग्रेस के साथ बिगड़ते रिश्ते, वेदांत समूह के खिलाफ राहुल गांधी ने जो मोर्चा बुलंद किया और बीजेपी के सत्ता में आने से पहले यानी 2014 से पहले ही राहुल गांधी अडानी के खिलाफ बोल रहे थे। अब ये तीनों औद्योगिक घराने बहुत ताकतवर हैं, चाहे मुकेश अंबानी हो, गौतम अडानी हो या वेदांत समूह। और अब इसे जोड़कर देखिए उस कॉरपोरेट लॉयर के साथ जो अपने पालतू पत्रकारों के साथ बैठा और उसने राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रची। इसलिए जो बात कन्हैया कुमार ने कही या मेरी मित्र रोहिणी सिंह ने अपने ट्वीट्स में कही, उसकी एक जमीन है। राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करने की कोशिश साल 2010 से की जा रही है। उनके एक एक बयान को तोड़ मरोड़ कर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र पेश करता है और आप जानते हैं बीजेपी का प्रचार तंत्र जो है इसमें बहुत माहिर है, यह उनकी खासियत रही है। और इसी तरह से राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। ऊपर से राहुल गांधी जो हैं वो राजनीति को लेकर अक्सर सक्रिय नहीं होते थे, यानी कि राहुल गांधी के खिलाफ एक शिकायत रहती थी कि वो 24 घंटे वाले राजनेता नहीं है, छुट्टी पर चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। जिस शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हैं वैसे राहुल गांधी काम नहीं करते हैं, यह भी उनके खिलाफ जा रहा था। ऊपर से कांग्रेस बद से बदतर होती जा रही थी, कांग्रेस नेतृत्वविहीन होता जा रहा था, विपक्ष कमजोर हो गया था और इस विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी थे। इन तमाम चीजों के चलते कांग्रेस और बर्बाद होती चली गई और 2010 से तो नींव रखी ही जा रही थी राहुल गांधी की छवि पर निशाना साधने के लिए। अब आप समझे कि राहुल गांधी क्यों कहते हैं कि मुझे टारगेट करने के लिए बाकायदा एक तंत्र काम कर रहा है। और जैसे कि आज मैंने अपने कार्यक्रम में तथ्यों के आधार पर आपको बताया कि इसकी नींव रखी गई थी साल 2010 में, जब रिलायंस समूह और कांग्रेस के रिश्ते बद से बदतर हो गए थे। बहरहाल मैं राहुल गांधी की बात कर ही रहा हूं तो एक और खबर आपको बताना चाहूंगा। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर कुछ देर के लिए विराम लगा रहे हैं, रोक लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 22 नवंबर को, इस तारीख को देखिए, 22 नवंबर को राहुल गांधी गुजरात जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं गुजरात में चुनाव हैं 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को, और राहुल गांधी 8 या 9 दिन गुजरात में रहेंगे और वहां से चुनावी प्रचार करेंगे। इसी मंच पर मैंने कई बार कहा है कि देखिए भारत जोड़ो यात्रा एक अच्छी चीज है, मगर आपका मकसद भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस को पुनर्जीवित करना है।
अगर आप चुनावों में जाकर कैंपेनिंग ही नहीं करेंगे तो पार्टी को जीवित कैसे करेंगे। इसलिए राहुल गांधी ने कुछ देर के लिए भारत जोड़ो यात्रा को रोका है और अब गुजरात जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं, जो राजनीतिक तौर पर सही कदम है। मगर मैं फिर दोहरा दूं दोस्तों, यह कदम बहुत देरी से उठाया गया है। कायदे से राहुल गांधी को आज से 6 महीने पहले नहीं, आज से 1 साल पहले गुजरात में एक्टिव हो जाना चाहिए था, मगर कांग्रेस का वो ढीला ढाला रवैया जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि गुजरात में मुकाबला एक तरफा होगा। अब मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता हूं, इंतजार करना होगा 8 दिसंबर को। बहरहाल बड़ी खबर ये है कि राहुल गांधी अब 22 नवंबर से गुजरात में होंगे और उम्मीद करते हैं कि मुकाबला गुजरात में करीबी होगा, जबरदस्त होगा, जैसा कि हमने 2017 में देखा था। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।